सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं 10 और आज है संडे। अभी हम निकल रहे हैं राइड पे। अभी हम जा रहे हैं लोनावाला में, और लोनावाला में है बुआची मिसल, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और अभी बाहर मौसम भी एकदम मस्त हो रखा है। यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, और सुबह बारिश भी हुआ था। इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो अभी राइड पे जाते हैं, राइड के मज़े लेते हैं। और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम बुआची मिसल के लिए यहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या वैरायटी ऑफ मिसल्स मिलते हैं। वीडियो पे बने रहिए। A few moments later. तो गाइज, प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। इसी हम नीचे गए तो मैंने भाई देखा बाइक का जो बैटरी है वो पूरा डेड हो चुका था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैंने लिया एक्साइड का एक्सप्लोरर XLT Z7, मतलब जो पहले बैटरी था सेम कैपेसिटी का ये भी बैटरी है। तो इसको लगा दिया, और अभी इसको लगा के अभी हम राइड पे निकल रहे हैं। तो अभी टाइम है अराउंड 3 या 4 कुछ बज चुके हैं। तो अभी दोपहर में हम निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप। 3:30 बजने को 10 मिनट है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। फर्स्ट टाइम है हम लोग जो ये टाइम पे निकले हैं। पहले तो प्लानिंग तो जल्दी जाने का था, अदरवाइज़ हम लोग ये अभी समर सीज़न में राइड थोड़ा कम ही कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग का कोई भी वीडियो आया नहीं है, मतलब मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है समर सीज़न में, क्योंकि इतना वेदर इतना हॉट था बाहर कि राइड तो छोड़ो, मतलब एरिया में भी घूमने के लिए इतना पसीना निकल जाते थे, और सिग्नल में रुको तो बाप रे। आज थोड़ा वेदर थोड़ा अच्छा हो गया, इसके लिए थोड़ा ऑल ऑफ सडन प्लान किया हम लोग, निकलते चलो राइड पे। और मैं अपने एरिया में तो मतलब अभी फ़िलहाल स्कूटी ही चला रहा था, तो बाइक ऑलमोस्ट 1 वीक से मैं चलाया नहीं था, तो इतना ध्यान नहीं गया मेरा बाइक में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और आज सुबह जब राइड के लिए निकले तब देखा तो बैटरी भी इसमें डेड हो गया, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। फिर जाके मैंने बैटरी वाले यहाँ से जाके बैटरी चेक कराया, और फिर जैसे ही पता चला कि बैटरी डेड है तो नया बैटरी ऑन द स्पॉट लेके घर में आके मैंने खुद ही इसमें इंस्टॉल कर दिया। इट्स वेरी इजी। वैसे मुंबई में ज़्यादा लोकेशन है नहीं वीकेंड में कहीं जाने के लिए, मतलब वन डे सेम डे रिटर्न आने के लिए। और देख सकते हो आज मैंने जो भी हमारा एक्सेसरीज था, ये हाइड्रेशन बैकपैक, आगे चार्जर, सब यूज़ करेंगे। जितना भी मैंने एक्सेसरीज़ का जो भी वीडियोस बनाए आज सभी को यूज़ करेंगे। मोबाइल होल्डर का तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी लोनावाला पहुँच के वो मिसल कहाँ पे है वहाँ के लिए हम लोग मैप यूज़ करेंगे, तभी वो मोबाइल होल्डर का हमें यूज़ लगेगा। बाकी चार्जर तो अगर मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गया तब लगेगा। और ग्लव्स तो अभी हम लोगों ने कल ही लिए है, तो ग्लव्स को यूज़ कर रहा हूँ। ओए सिग्नल 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 सिग्नल, जल्दी जल्दी जल्दी। धूप आ रही है, और पेट्रोल तो है, पेट्रोल भरने की ज़रूरत भी है नहीं फिलहाल। टोटल यहाँ से 57 किलोमीटर दिखा रहा है, तो टोटल 100 किलोमीटर तो हो जाएगा। सामने देखो ना, एकदम फॉगी फॉगी हो रखा है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे माउंटेन है ना, वहाँ पे पूरा फॉग हो रखा है। काली पीली टैक्सी को टोल नहीं होता है क्या? बिना टोल भरे ये साइड से जाती है। ये ग्रीनरी एकदम मस्त मस्त है यहाँ पे, है ना। अभी ग्रीनरी देख के ऐसा लगता है बारिश का टाइम आ गया है, तो बारिश में तो और भी ज़्यादा ग्रीनरी होंगे, बट अभी जितनी ग्रीनरी है उससे एकदम मस्त फीलिंग आ रही है। देखा दोनों साइड से ग्रीनरी है। जब समर सीज़न स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पे इतनी ग्रीनरी तो थी नहीं, मॉनसून सीज़न में वापस आएंगे। ओहो यहाँ पे क्या है, कोई मेला है क्या, मंदिर है, पता नहीं कुछ होगा यहाँ पे, गांव वालों का कुछ होगा। धीरे धीरे कोई बारिश स्टार्ट हो जाएगा ना, धीरे धीरे यहाँ पे और ग्रीनरी आएगी। तो जितने भी खाली जगह है ना
मट्टी मट्टी, यहाँ पे पूरा ग्रीनरी आ जाएगा। मॉनसून में राइड करने का मज़ा आएगा, बट हाँ थोड़ा ये गोप्रो का सब गैजेट्स एक्सेसरीज का ध्यान देना पड़ेगा। नहीं यहाँ से लेफ्ट आ गया तो माथेरान आएगा। अभी हम माथेरान तो नहीं जा रहे, स्ट्रेट जाएंगे लोनावला। माथेरान भी जाएंगे हम लोग मॉनसून प्रॉपर अच्छे से आ जाए तो। देखो लेफ्ट साइड में प्लेन, हाँ जाते हैं ना लोग, यहाँ से एंट्री है कहीं से तो जा सकते हैं। कितना नीचे, दो रास्ते जा रहा है लेफ्ट। ये लोनावला का मेन सिग्नल, वहाँ से थोड़ा लेफ्ट, पहले ही हम लोगों ने लेफ्ट ले लिया। यहाँ से ऊपर सीधा, हाँ ये फरियास रिसोर्ट जा रहा है ना। कोई बात नहीं, चलो ये मेनू है, ये कैश काउंटर है, इसके पीछे ऑर्डर ले लिया। क्या बड़ा मिसल लिया है, दो पाव एक्स्ट्रा लिया है, बड़ा मिसल आनी स्पेशलिटी नहीं। अच्छा मीठा अदरक वाली चाय, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पहले मुझे खिला रहे हो, गजब बेइज्जती है। अभी कितना बज रहा है, 6 बजने आ गया, फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से। मैं इसको बाय बाय बोलते हुए चलो जी ये गोवा। थोड़ा फॉग फॉग जमा हो रहा है अभी, एंटी फॉग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी वाइज़र ऊपर करके चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ अभी क्लियर दिख रहा है। और देख सकते हो पूरा रोड गिला है, अभी हल्का बारिश हुआ था 5 मिनट के लिए।
अभी देखो पूरा खंडाला पूरा भरा पड़ा है। कार देखो ऊपर से गिरा लेगा सीधा उल्टा चपाट। एक कार हाईवे से गिरा चपाट। ईस्ट एक्सीडेंट जान। वो भी चिपक गए एक दूसरे को। एक्सपल्स वाला एडवेंचर के चक्कर में कहीं और ही घुसा दिया और उसका साइलेंसर ही बाहर आ गया। हाँ ये सादा आगे वाले का पिया हुआ है लगता है। यहाँ पे भी कुछ हो गया क्या? अच्छा तो इसका जा नहीं सकता हाइट इतना ऊपर, फिर भी इसने यहाँ पे गाड़ी घुसा दी। ये देखो ये ऑटो देखा था हमने, ये भी ऑटो गिरा हुआ है। तो वही देखा था ना नीचे से, तो ये रास्ता नहीं था। देखो वो रास्ते से गए थे हम, तो वो रास्ता अलग है जहाँ से तुम नहीं क्या अभी देखा हम नीचे चले गए वे टू खोपली, वहाँ से वो रोड डाइवर्ट मतलब दो रास्ता हो गया था ऐसा था। देखो विजय जो ना कान बंद और खुल रहे। टोटल 50 किलोमीटर था तो रिटर्न मिला के 110 किलोमीटर कुछ हमारा राइड हुआ आज का। तो हम लोग ज़्यादा कुछ किए नहीं वहाँ से, तो रिटर्न ही आ गए। हाँ मतलब प्लानिंग हमारा सिर्फ आज का वहीं तक था क्योंकि लोनावला टाइगर्स पॉइंट तो हम बहुत बार जा चुके हैं और जब भी मानसून सीज़न आएगा तब जाएंगे ऊपर ना वहाँ पर पकौड़ा वो कौन पकौड़ा वगैरह मिलता है ना ऊपर चीज़ पकौड़ा ऊपर टाइगर्स पॉइंट पर। हाँ तो वो खाने जाएंगे जब प्रॉपर मानसून आएगा फॉग आएगा। लास्ट टाइम हम लोग ने मकई खाए थे उसके हाँ मतलब अभी हम देखते हैं मानसून में कौन से पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। भंडारदारा में स्टे करने जाएंगे तो देखते हैं जो भी है वो हम बाद में डिसाइड करते हैं। कपड़ा दे दो उसका। ये गाड़ी का कपड़ा एक दिन यहाँ लटकाया था यहाँ से चेन में चली गया ऐसा लग रहा है मरा हुआ चूहा, पर थोड़ा बहुत काम आ जाता है। कवर लेना है ये गाड़ी का आपके भाई, कपड़ा लेना है एक साफ सफाई के लिए। चलो मिलते हैं।